नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त खबर असरदार का हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं और इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं, ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं है। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना चाहते, खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुनो हैं तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूँ, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडेलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडेलिटीज तय की जाएंगी। जो शाहिद का मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एमपी में लाउडस्पीकर और खुले में मास्क बेचने के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कई जिलों में प्रशासन और नगर निगम ने कार्रवाई की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और बाजार में खुले में मांस बेचने के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्वालियर, उज्जैन, आगर मालवा और इंदौर की इन तस्वीरों में ये आप देख भी सकते हैं। वहीं इंदौर में भी सीएम के आदेश के बाद
धार्मिक स्थलों पर एक्शन की तैयारी है। महापौर ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त हो चुका है। महापौर ने निगम अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के लिए निगम का दस्ता बाजारों में पहुंचा। 17 दुकानों का चालान काटा गया। अब तक शहर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई। 40 से ज्यादा दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। वहीं खरगोन में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने की है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है, किस प्रकार कार्रवाई चल रही है? हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं मांस मटन की दुकानों का, और जहां पे कोई इस तरह से लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको विधि अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहां कहां कार्रवाई की गई? अभी हमने 2 जगह तलाई मार्ग में कार्य कर रही है, मटन मार्केट में भी आई, यहां पे कार्रवाई चल रही है। बहरहाल एमपी में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहले फैसले पर प्रशासन का अमल शुरू हो चुका है और आगे भी इसी मामले पर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। अकेले ग्वालियर जिले के 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन को माफियाओं ने बेच दिया। मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टीज ने अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई है। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया है, लेकिन विभाग ने मंदिरों की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों के खसरों में बदलाव कर दिए। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी वो निजी दर्ज हो गई। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। दो निर्णय उन्होंने तत्काल लिए हैं, सबसे लेते ही एक तो ध्वनि और एक मास के ऊपर जो लिया है बहुत अच्छा लिया है। ऐसे ही भूमापियों के खिलाफ जो ले ले हमारी मंदिरों की और पुजारी संघ इतना परेशान हो रहा है जमीन के लिए, और जमीन की जो मंदिरों से भूमि लगी है वो काव की उस पर कहीं मुक्ति मिल जाती है और कहीं मान में मोहन यादव जी कहीं व्यक्तिगत अपना वो ले लेते हैं संज्ञान तो बहुत अच्छे से जमीन निकल सकती है और बहुत पूजा सेवा अच्छे से हो सकती है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ग्वालियर जिले के मंदिरों की जमीन की स्थिति जिन पर भू माफिया का कब्जा है। बात ग्वालियर तहसील की करें तो यहाँ 183 गाँवों में 352 धर्म स्थल है। इन धर्म स्थलों के नाम 1091.71 हेक्टेयर जमीन है। वहीं डबरा तहसील के 123 गांव में 285 धर्म स्थल हैं। इनके पास 2122.47 हेक्टेयर जमीन है। यहां मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। भीतरवाड़ तहसील में 117 राजस्व गांव में 1076.65 हेक्टेयर जमीन है। यहां भी जमीन खुर्दबुर्द की गई है। इसके साथ कई मंदिर ट्रस्ट हैं जिनके पास कई एकड़ जमीन है जिस पर भू माफिया ने अपना कब्जा बना रखा है। बहरहाल धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत से इन जमीनों पर कॉलोनी बसा दी गई। कुछ इस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने आई हैं और ज़रूर इसके बारे में अभी जो शिकायतें आई हैं वो हमने संबंधित SDMs को भी इसके बारे में हमने पत्र भी जारी कर लिया है कि इसमें जांच की जाए, विधिवत उसमें जांच हो जाएगी और उसमें जो गलती जो भी हमको पाया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने लंबे समय से मंदिरों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बाद करीब 6 महीने पहले इसकी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी जांच अधर में लटकी हुई है। संतों की मांग के बाद माना जा रहा है कि अब नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन में आने के चलते इन मंदिरों की जमीन पर कब्जे के मामले में प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं जांजगीर चांपा में 3 गार्डन हैं, जिसमें एक बीडीएम गार्डन पर प्रशासन मेहरबान रहा, लेकिन बाकी के 2 गार्डन बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। किस तरह, इस रिपोर्ट में देखिए। जांजगीर चांपा के 3 उद्यानों में एक बिसाहू दास महंत बालोद्यान पर प्रशासन मेहरबान रहा। इसके विकास के लिए पिछले 4 सालों में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन बाकी के 2 गार्डन वसुंधरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन पर प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहां बड़ी बड़ी घास उग गई है जिसे काटा तक नहीं गया। वहीं बच्चों के झूले, टहलने के लिए बने रैंप की हालत जर्जर है, जहां लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैला में 3 बड़े गार्डन है, लेकिन पूरे 4 वर्षों में बीडी महन गार्डन, जो एक अध्यक्ष जी के वरिष्ठ नेता के नाम से है, उसी में ही करोड़ों रुपए की लागत लगा दिया गया है, जो भी अभी भी वो भी अधूरा है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि सामने में हाई स्कूल के सामने में अपना पटेल गार्डन है, और कलेक्टेड में वसुंधरा गार्डन है। आप 4 वर्षों में देखेंगे कि वहाँ पे एक कील तक नहीं ठोकी गई है। 2 गार्डन अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हमारी कोशिश रही कि उन 3 गार्डन को फिर से एक नए कलेवर में नए स्वरूप प्रदान किया जाए, ताकि यहाँ की जनता को एक नई सौगात मिल सके। वहीं जब उद्यानों की बदहाली को लेकर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष ने पिछली सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने पार्कों के विकास में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही, साथ ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन पार्कों के विकास की बात कही। नगर पालिका के सीएमओ ने जल्द ही दोनों पार्कों के विकास किए जाने का दावा किया। जांजगीर नैला नगर पालिका में एक तो गिने चुने 3 ही गार्डन है, उसमें नगर पालिका द्वारा एक बीडी महन गार्डन है, उसपे लगभग 1 करोड़ का खर्चा किया गया है नगर पालिका के द्वारा, जबकि 2 गार्डन उसमें सौतेला व्यवहार, मतलब ना लाइट है वहाँ, ना किसी प्रकार की सुविधा है, जबकि गार्डन में बच्चे आते जाते हैं, और एक तो पूरा जंगल टाइप का हो गया है दोनों गार्डन, जबकि नगर पालिका को तीनों को एक समान भाव से देखना चाहिए और उनमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए कुछ खर्चा करना चाहिए। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है, और साथ ही साथ जो 2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन, तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है, और वसुंधरा गार्डन के भी नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सरकार बदली है तो पार्क पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ जहां शहर के 2 पार्कों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं प्रशासन इन 2 पार्कों के जल कायाकल्प की बात कह रहा है। कैलाश कश्यप, जांजगीर चांपा, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में नकल इंडस्ट्री चल रही है। इस इंडस्ट्री से नकल माफिया सालाना 250 से 300 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। ये गंभीर टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जिसके बाद सरकार से नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग होने लगी है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल नकल के लिए बदनाम हो चुका है। अब हाईकोर्ट ने भी इस मामले में गंभीर टिप्पणी करके सच उजागर कर दिया है। प्रदेश में पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती समेत दूसरी परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए भिंड और मुरैना में शिक्षा माफिया ने फर्जीवाड़ा किया है। मुरैना के SSC भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोपी की जमानत मामले पर हाईकोर्ट ने ये गंभीर टिप्पणी की है। इस प्रकार का मामला, चाहे PMT मामला हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, और चाहे वो हाई स्कूल और 12th क्लास के एग्जाम का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं, और भिंड में ऐसे कई मामले पहले देखे गए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत चिंता जाहिर की है। शिक्षाविदों के मुताबिक एक समय ग्वालियर चंबल अंचल डकैती के लिए बदनाम था, लेकिन अब ग्वालियर चंबल अंचल शिक्षा के डकैतों के लिए कुख्यात हो चुका है। प्रदेश में बीते 10 सालों में जितने भी घोटाले हुए, सभी में माफिया के तार ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़े मिले। चंबल क्षेत्र कभी डकैतों के लिए जाना जाता था, आज यहाँ पर शिक्षा की डकैती हो रही है। लोग जो है वो फर्जी दूसरे सॉल्वर बिठा रहे हैं, जो योग्य होशियार बच्चा है उसका हक जो है वो दूसरे बच्चे जो है जिनको कोई भी योग्यता नहीं है वो छीन कर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश का नुकसान है। भर्ती परीक्षाओं में शिक्षा माफिया छात्रों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर को बैठाते हैं और छात्र को परीक्षा पास करा देते हैं। ऐसे में होनहार छात्रों की मेहनत बेकार चली जाती है। छात्र छात्राओं ने शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसे की दम पे आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग पुअर हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों का उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हम नए CM जी से अनुरोध करते हैं कि वो इन चीज़ों को देखें और इन पर सख्त कार्रवाई करें। तो ग्रेजुएशन में बिना कॉलेज जाए आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल कॉलेज में फ़ीस देनी है, आपके हाथ में डिग्री आ गई, आप 17 से 18 दिन में चुनाव के रिजल्ट दे सकते हो, इसकी जांच टाइम पे क्यों नहीं हुई? हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये साफ हो चुका है कि ग्वालियर चंबल अंचल में शिक्षा माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं और इनके तार देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक, News 18 ग्वालियर। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग में DRDO ने स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह खुद से उड़ने वाला ड्रोन है जिसकी रफ्तार काफी तेज है। इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह खुद टेक ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता है। ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में एक उपलब्धि है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसकी उड़ान पिछले साल जुलाई में हुई थी। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडरकैरेज और सिस्टम स्वदेशी हैं। इस उड़ान के साथ भारत अब एलीट देशों के क्लब में शामिल हो गया है। उज्जैन से BJP विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज करेगी। दशहरा मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम में PM मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर CM डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यात्रा को लेकर उज्जैन में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान BJP प्रदेश के हर पंचायत और शहरों में हर 10,000 की आबादी पर एक कार्यक्रम करेगी। यात्रा का समापन होगा 26 जनवरी 2024 को। डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में एक आभार रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं, साथ ही इसके एक विकसित भारत यात्रा, विकास यात्रा को लेकर भी इसकी शुरुआत उज्जैन से ही होगी। और डॉक्टर मोहन यादव का पहला उद्बोधन जनता के नाम पर उज्जैन से किया जाएगा। ये दशहरा मैदान है, यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही है, बड़े जोर शोर से तैयारियाँ की जा रही है। यहाँ पर जो है नगर निगम के महापौर है, निगम सभापति हैं जो डॉक्टर मोहन यादव की बहन है कलावती यादव, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सभी जो है कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने आए और देखने आए कि तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि जो कल कार्यक्रम होना है इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता से लेकर तमाम लोग जो उपस्थित होंगे। और ये आप बता दीजिए, कल दशहरा मैदान से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ है और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो यात्रा का शुभारंभ होना है उसको हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कल यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। और हमारे उज्जैन नगर निगम के माध्यम से 20 स्थानों पर इस यात्रा के शिविर लगेंगे। शिविरों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही कल यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से यहाँ पे हम बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं जो सवेरे से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सारे डॉक्टर्स वगैरह बैठने वाले हैं, सारे इलाजों की जांच वगैरह होने वाली है। तो हम इसी मैदान पर कल एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी कर रहे हैं। साथ ही योजनाओं से जो आमजन पर जो प्रभाव पड़ा है, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, ऐसे दो हितग्राहियों से हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ से बात करने की संभावना है कि दो हितग्राहियों से यहाँ पे उनकी बात होगी। कितनी बजे कार्यक्रम शुरू होगा और उज्जैन में मुख्यमंत्री जी कब तक रहेंगे? कल मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम के साथ साथ नगर के अंदर स्वागत रैली भी है। हमारे सारे शहरवासी मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम के पश्चात यहीं से रैली का प्रारंभ होगा और रैली के माध्यम से हम छतरी चौक तक जाएंगे। कितनी बजे तक उज्जैन में है कार्यक्रम का, कब तक मुख्यमंत्री जी उज्जैन में रहेंगे? इस कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा करीब 4 बजे प्रारंभ होगा, 2 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी 4 बजे तक जुड़ने की संभावना है। उसके बाद 4:30 से या 5 बजे से रैली प्रारंभ होगी, जो संभवतः मेरे हिसाब से रात को 10-11 बजे तक रहेगी।
तो ये महापौर जी थे जिन्होंने बताया कि कल मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है और जिसमें कई योजनाओं को लेकर जो है जनता के बीच में रखा जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो कल जो है आभार रैली का और प्रधानमंत्री जी के संबोधन का। उचित जय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। खंडवा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे विधायक ने अपने साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी की नई विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर आम जन के साथ यहां कैसा बर्ताव होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम से करने की बात कही। वहीं मामले पर कलेक्टर का कहना है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के प्रबंधन को लगातार बेहतर व्यवहार की नसीहत दी जाती है। विधायक से भी मामले की जानकारी लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम परेशान है, जिस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी मुझे नजर आई, ना नर्स का ठिकाना, और एक मैडम जिसे मिलने के लिए गई तो उसका तरीका, मतलब उसका बिहेव ऐसा था कि वो मतलब उसको बताया कि विधायक जी है और इस तरीके से मैंने बात की, वो मुझे चुप कर रही थी। तो ऐसे मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करें उनको यहाँ से अस्पताल से निकाल के बाहर करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं यहाँ पर है। और हॉस्पिटल में ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पेशेंटों को मतलब उनका ध्यान दे, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि जो मध्यम वर्ग से आते हैं और यहाँ पर उनको पेशेंट को मतलब नर्स की डॉक्टर की जरूरत रहती है। तो इस तरीके से बिहेव और यहाँ पर यह मतलब व्यवहार इस तरीके से मेरे साथ किया तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करेंगे। और मेरे द्वारा मैं एक दो दिन के मतलब छोड़कर यहाँ पर मतलब निरीक्षण करती रहूँगी और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का मैं पूरा जिम्मा लेती हूँ और डॉक्टर से भी और आगे भी मैं बात करके यहाँ की अवस्था को सुधारने का पूरी। देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले सिविल सर्जन और डीन साहब के साथ मैं गया था ए ब्लॉक में, तो मेरे द्वारा पूर्व में भी मीटिंग में यही बताया जाता है कि थोड़ा सा जो अस्पताल के डॉक्टर है, जो नर्सिंग स्टाफ है, थोड़ा सा और पेशेंटली लोगों को सुने, चूंकि अस्पताल में लोग आते तो किसी ना किसी बीमारी या परेशानी की वजह से आते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुने और जो उनको जो काम कर सकते हैं वो सही से करें और जो नहीं कर सकते उसके बारे में बहुत विनम्रता पूर्वक जो भी लोग आते हैं उनको बताएं। सतना में एक शख्स को लगा जोर का झटका। जी हां, बिजली के करंट से नहीं बल्कि बिजली के बिल से। दरअसल नवंबर महीने में इस शख्स का बिजली का बिल आया 19 लाख से ऊपर। हाल ही में इस शख्स ने अपना मीटर बदलवाया था और मीटर में बिजली की खपत 64 यूनिट बता रहा है। अब पीड़ित शख्स बिजली बिल को ठीक करवाने के लिए दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल के सामने अब्दुल मुजीद मोबाइल की दुकान चलाते हैं, वो बहुत गरीब की श्रेणी में हैं। इनका नवंबर का बिजली बिल 19,73,000 रुपया है। अधिकारी इसे तकनीकी गलती बता रहे हैं और ठीक करने की बात कह रहे हैं। और अब बात बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े की, जिनको हार्ट अटैक पड़ा जिसके बाद मुंबई के एक अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गुरुवार की शाम को अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद घर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। रात करीब 10 बजे श्रेयस तलपड़े को मुंबई में अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने श्रेयस की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो घर गए तो असहज हो गए। फिलहाल श्रेयस को आईसीयू में ही रखा गया है। तबीयत ठीक होने पर उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। श्रेयस की पत्नी दीप्ति का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मैं सभी को बताना चाहती हूं कि अब उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी उनकी बहुत देखभाल की, जिसके लिए उनकी भी आभारी हूं। सभी से निवेदन है कि इस समय आप हमारी प्राइवेसी का भी सम्मान करें, क्योंकि श्रेयस की रिकवरी जारी है और इस बुरे समय में आपका साथ ही हम दोनों की ताकत है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। दिल की धमनियां यानी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर 1 से 1.5 घंटे के बीच एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए।
क्योंकि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना ही हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान कम होगा, जिससे जान बचाई जा सकती है। एंजियोग्राफी में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आया है तब डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे। 47 साल के श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल में काम कर रहे हैं, जिनमें सितारों का जमावड़ा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी के अलावा कई नामचीन सितारे काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अगले साल आने की उम्मीद है। फिल्म में अहम करेक्टर निभा रहे श्रेयस तलपड़े की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिससे उनके को स्टार भी चिंतित है। श्रेयस के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। श्रेयस न केवल बेहतर एक्टर हैं, बल्कि बहुत फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में श्रेयस की आवाज है। फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर असरदार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए है।